नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के जान चुके होंगे कि आज मैं अदरा स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अदरा क्या है। तो हमारे बिहारी में एक ही फेस्टिवल है अदरा, जो गर्मी के सीजन में जून जुलाई के टाइम मनाया जाता है। तिथि के अनुसार अदरा हमारा मनाया जाता है। जब आम के सीजन आते हैं तो इस दिन खीर बनाए जाते हैं, आम और दाल वाली पूड़ी और सब्जी और चटनी वगैरह, और भगवान जी को भोग लगा के हम लोग सबको ही खाते हैं। इससे होता है अन्नपूर्णा माँ बहुत प्रसन्न होती है और घर में शांति सुख सुविधा बनी रहती है। और फिर इस दिन भगवान को भोग लगा के सभी लोग खाते हैं। तो ये जो अदरा है हमारा एक हफ्ता 10 दिनों का होता है। तो जब इसका स्टार्टिंग होता है तो कुछ लोग उस टाइम बनाते हैं ये, और कुछ लोग ख़त्म होता है तब बनाते हैं, और कुछ लोग स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है तब बनाते हैं और जब ख़त्म होने वाला होता है तब बनाते हैं। तो मेरे घर स्टार्टिंग जब हुआ था, अदरा चढ़ा था, शुरू हुआ था, तो उस टाइम भी मेरे घर बना था। और जब आज ये ख़त्म हो रहा है, कल हमारा ख़त्म हो जाएगा अदरा, तो इसलिए मेरे घर आज ये सब फिर से बना है। तो मैंने उस टाइम वीडियो शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार शेयर कर देती हूँ। तो ये फिर बताइएगा, आपको कुछ और भी जानना है तो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन पे टच करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। और लाइक करें और नीचे कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी में मैं दाल वाली पूड़ी और खीर की रेसिपी बस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी, और भी मैं सब्जी की चटनी की रेसिपी शेयर करती तो बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए, यहाँ मैंने चने की दाल को 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। उसके बाद मैं पानी से धो के इसे एक कटोरे में निकाल लेती हूँ, और ये हमारा चने की दाल कम लमसम 1.5 केजी के करीब था। ये देखिए, मैं जैसे दिखा रही, इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी चने की दाल भिगोई थी। और हाँ, आज की रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सब वीडियो को शूट कर रही हूँ, आज मेरी मम्मी बना रही है सब कुछ। तो प्लीज़ बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। और तो फिर देखिए, यहाँ पे चने मतलब कि कढ़ाई चढ़ा दिया गया और ऑयल डाल दिया। सरसों ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जीरा मैंने 1 चम्मच डाला और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिया, और वो आपको मैंने दिखाया था, वो खीर का था, खीर के लिए चावल निकाल के रखा गया था। और यहाँ पे ये जो चने की दाल है उसको हम लोग भूंज लेते हैं, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हम लोग बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं, और ऐसे भी मेरे घर प्याज लहसुन नहीं बनता है, और ऐसे एक्चुअली आज तो भगवान को भूख लगाना है तो और नहीं बनेगा। तो वो सब मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डाल के, और थोड़ा देर जब तक हमारे ये दाल पक ना जाए तब तक हम तोप के थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। और इधर हम मिल्क दूध को 2 पैकेट दूध हमने लिया है फुल क्रीम, उसे खीर के लिए तैयारी करेंगे। तो पहले हम इसे निकाल के उबाल होने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं, और उबाल हो जाएगी उसके बाद हम इसमें जो चावल रखे थे उसे डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चने की दाल हो चुकी है, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, और अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद, और ठंडा हो जाने के बाद हम इसे प्लेट में मैंने निकाल लिया है, और ये अभी गर्म ही है तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मिक्सर में पीसेंगे। तो यहाँ पर हम आटा लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अजवाइन लिया है, स्वाद अनुसार नमक, और ये हमारा बेकिंग सोडा है। तो अब देखिए, ये हमारा आटा करीबन 3-4 केजी के करीब था, तो मेरे घर बहुत लोग हैं तो इसलिए इतना। और इन सब चीज़ जो मैंने लिया था उन सबको मिलाने के बाद अच्छी तरह से हम आटा में इन सबको फेंट लेते हैं, मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो ऑयल लिया था उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, और जो हमारे हाथ की हथेलियाँ होती हैं इस प्रकार इसे मिलाना है, ताकि जो हमारा पूड़ी होती है दाल वाली बहुत खास्ता होती है। देखिए, इस प्रकार हमारी मुट्ठी बनने लगती है, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छी तरह से सब मिक्स हो गए हैं। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल वाटर अच्छा सा एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे हमारा। ये देखिए, अच्छा सा दाल वाली पूड़ी के लिए अच्छा सा आटा गूंदा गया है, और यहाँ पे हमने चावल को धो लिया है और दूध हमारा खौल चुका था, तो मैंने इसमें चावल को डाल दिया,
और उसके बाद इसे चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए और इसे बीच बीच में चेक करते रहें, चलाते रहें और लास्ट में चीनी ऐड करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो चुका है, चावल हमारा पक चुका है। उसके बाद हमने इसमें चीनी मिलाया, आधा कटोरी कम था चीनी, आप अपने अकॉर्डिंग चीनी मिलाया। अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो और आप मिला लें, लेकिन हमारा ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत टेस्टी हमारा खीर बना था, तो मलाई जैसा लग रहा था। और मैंने इसमें कुछ डाइट फूड डाला जैसे किशमिश, काजू और मक्खन दाना डाला, और इन सबको मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम कर दिए बंद। और यहाँ पर हमारा ये दाल हो गया है ठंडा, तो मैं इसे मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ। तो मैंने ये सब डालने के बाद ये इसमें काली मिर्च, जीरा है और थोड़ा सा हींग है, इन सबको भी डाल के पीस लूँगी। अगर आप लहसुन वाला बनाना चाहते हैं तो इसी में लहसुन की कलियाँ आप डाल के पीस लें। तो देखिए हमारा ये अच्छी तरह से, मैंने सब कुछ को अच्छी तरह से पीस लिया हल्का दरदरा और मैंने प्लेट में निकाल लिया। और आटा के लोई को तोड़ तोड़ के रख लेना है। और यहाँ पर सब्जी के लिए देखिए बोदी, आलू और कच्चे केले की सब्जी बन रहे थे, हम मसाला भुंजा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो सब्जी हमारा तैयार हो चुका था, अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो उसके लिए आटा को गोल गोल करने के बाद इसे एक कुआ की तरह, होल की तरह कर लेना है, और उसमें फिर हमने चने की दाल को जो पीस के रखा था वो फिल करेंगे और इसे बेल लेना है पूड़ी की तरह, बहुत पतला ना करें नहीं तो ये फट जाएगा और चने की दाल बाहर आ जाएगी। और तेल गर्म हो चुका है और हम इसे सरसों ऑयल में तलेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो आप सरसों ऑयल में ही इसे एक बार तलें। ऐसा आप रिफाइन ऑयल में भी डाल सकते हैं लेकिन सरसों ऑयल का बात ही अलग होता है। तो फिर इसे अच्छी तरह से देखिए, हमारा गोल्डन हो जाएगा कलर चेंज होने के बाद, हमारा अच्छी तरह से हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, मीडियम पर पकाएँगे तो बहुत ये हमारा खास्ता होता है तो क्रिस्पी होता है। उसके बाद मैंने निकाल लिया और हमारे यहाँ पर गरम गरम दाल वाली कचौड़ी रेडी है। तो देखिए मैंने प्लेट को सजा लिया है और ये हमारी सब्जी है, बोदी, चने और आलू और कच्चे वाले केले की सब्जी है। अगर बोलोगे तो रेसिपी कभी शेयर कर दूँगी। और ये हमारी खीर है, बने हैं और आम, और ये हमारी केले की चटनी है, कच्चे केले की जो ऊपर की छिलके होती है ना उसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है, औसम लगती है। इसकी रेसिपी अगर बोलोगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये पूड़ी है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखिए इसके बाद भगवान जी को हमारे ऊपर की ठाकुरबाड़ी में भोग लगा, उसके बाद हम लोग सभी लोगों ने खाया। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी अदरक के बारे में जान सकें। और हाँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये अदरक में ही बनाएं, आप ऐसे भी कभी बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।